नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद मेरठ पहुंचा है। टॉप 10 की सीट है मेरठ। यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी है, राम कहे जाते हैं। जिस तरीके से आपकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक्सप्रेस न्यूज भारत ने जो सर्वे किया है कल से लेकर के आज तक, वो मेरठ की जो हॉट सीट है बहुत ही शानदार है। जिस तरीके मेरे साथ प्रत्याशी मौजूद है रघुवर गोविंद साहब, सर क्या लग रहा है मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार? बिल्कुल सही है वो नारा, 400 पार होगा। क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं आप लोग, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है जी। विकास होता है तो सभी को उसका लाभ मिलता है, तो सबका हाथ जोड़ना ही चाहिए, सबका अपना कर्तव्य है कि विकास में साथ दें उनका। मेरठ से क्या नाता है आपका, जो मेरठ से आपको टिकट दिया गया? मेरठ में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरठ में मैं बड़ा हुआ, मेरठ में मेरा पढ़ाई हुई, मेरठ से बहुत बड़ा नाता हूँ, मैं यहीं का हूँ। विपक्षी आरोप लगाता है हमेशा कि बाहर के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, सांसद बनने के बाद मुंबई चले जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो मैं बाहर का नहीं हूँ, जब मैं युवक का हूँ तो मेरठ का हूँ, और ऐसा नहीं कि सांसद बनने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ रहूंगा, भी किसी को जरूरत होगी मैं यहीं मिलूंगा उसको, मैं यहीं के लिए काम करने आया हूँ। जब काम करने आया तो बाहर कैसे चला जाऊंगा? क्या क्या लग रहा है सर, कितने वोटों से जीत होने वाली है? वोट का तो अंदाजा मैं नहीं बता पाऊंगा, हमारे वर्तमान सांसद हमारे साथ खड़े हैं राजेश्वर अग्रवाल जी, ये ज्यादा अनुभवी है ये बता पाएंगे, पर जीत होगी जरूर। अच्छा ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या लग रहा है? आप लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आपका चरित्र भी राम का है, आपने अभिनय किया है। नहीं, हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जय श्री राम जो घोष है वो हमारा वे ऑफ लाइफ हो गया है, हमारा जीवन दर्शन है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे आधार है, राम हमारा देश है, राम हमारा गौरव है, अभिमान है, सब कुछ राम है हमारे। तो हम उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हमारे मुंह से निकलता है। अब हम पहले नमस्ते करते थे, अब हम जय श्री राम करते हैं एक दूसरे को, इट्स अ वे ऑफ लाइफ नाउ। ठीक है, मेरे साथ जैसे कि आपने देखा अरुण गोविंद साहब मौजूद थे, जिस तरीके से जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, देखना यही हुआ कि मेरठ में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खुलता है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।